आगे थोड़ा सा जाते हैं कर्नाटक संगीत की ओर, कि कर्नाटक संगीत से भी आपने बहुत प्रेरणा ली, उसके स्वराविष्कार अपनाए, तथा कर्नाटक संगीत के बहुत से राग, मतलब कॉमन राग जैसे चारुकेशी, किरवाणी या हंसध्वनि हम सुनते हैं, लेकिन बाकी के भी बहुत से राग उन्होंने अपनाए, और जब वो हिंदुस्तानी में गाए तब उसका कर्नाटक कनेक्शन थोड़ा रखा है उसमें। हाँ। तो इस बारे में जानना है कि कैसे। मैं जब मुंबई रेडियो पे काम करती थी तो मेरे पास वो कर्नाटक संगीत का एक भाग मेरे पास था काम करने के लिए, तो सारे कर्नाटक आर्टिस्टों को मैं मिलती थी, उनके साथ वो रिकॉर्डिंग करते थे, वो सुनती थी, मुझे उनका संगीत बहुत अच्छा लगता था। और जैसे मैंने कहा, मेरी आदत थी कि जो अच्छा लगा वह अंदर लेना है, तो मैंने फिर वो जो असर मेरे ऊपर हुआ है, तो मेरे का ही कंपोजिशन में है, मेरे गाने भी कभी कभी लगता है, अगर आप अच्छे सुने तो। सुनाओ क्या कंपोजिशन कर्नाटक वाली कोई। लाया था मैंने कर्नाटक का, मालूम हुआ आपको? गुड, कलावती वाला। हाँ, तराना। हाँ, सरगम के कैसे यूज की है उसने, वो देखिए। नीम तदारी तान दीम तन दीम 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 तदारी तान सारे तराने में मैंने सरगम का प्रयोग किया है। और एक सुनाती हूँ, मधुर कौंस। ये मधुर कौंस राग भी मैंने किया है, मुझे नहीं लगता कि ज़रूरी है नए रागों की, बहुत सारे राग हमारे पास है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सुर आ गया, अच्छा लगा, जो नहीं है तो ये मधुर कौन से। तन तानो निर्दे तरानी दा
मग मग नि मग सानी सानी दम दम सानी दम मग मग सानी सानी मग सानी मग नि सानी दम ग सग मद नि सग मद नि सग मद तनन तारो तेरे तदानी दानी तनन तारो। आखे काय कोते दे दीन तन दे रे ना दे दीन तन दे रे ना दे का भी थोड़ा काम है, जो सरगम की जो स्वर वाक्य मैंने डाली है वो भी अलग कसम की है। और मैंने देखा है कि महफिल में जब मैं तराने गाती हूँ लोगों को बहुत अच्छा लगता है।